हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस फ्रॉम अंगुरुला। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम एनसीईआरटी में क्लास 10th में केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है। एक लेक्चर हुआ है इसका, आज सेकेंड लेक्चर है उसका। ठीक है, आज हम कुछ जानते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था, आज हम शुरुआत करते हैं बॉन्डिंग ऑफ कार्बन से। ठीक है, उस दिन आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था कि कैसे कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, आज हम आपको और थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कैसे है कार्बन में। ठीक है, पहले तो हम जानते हैं कि कार्बन में, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये आयनिक बॉन्ड बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं, उसका कारण है, आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है आयन। ठीक है, आयन से बना है आयनिक बॉन्ड। तो आयन में आयन कौन कौन से होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, या क्या होता है, कैटायन या एनायन। ठीक है, दो फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कार्बन जो होता है, कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 4 आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट सेल होगी, ये सेकेंड या आउटर सेल हो गई। ठीक है, जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होता है वो जिसमें जाता है उसको आउटर सेल बोल देंगे। ठीक, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है तो इसमें 2 और 4 आया। ठीक है, अब देखिए कैसे कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। आप ऐसे समझिए कि कोई हम एक, जैसे हम सोडियम NaCl ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक, इससे आपको समझ में आएगा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए एक कोई ए कंपाउंड है और एक बी है। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये दोनों आपस में अपने आप को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इस वाले ए कंपाउंड ने इस बी वाले कंपाउंड को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ठीक है, डोनेट कर दिया, तो जब इसने ले लिया, मतलब इसने गेन कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो इस पर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया है, और किसको दिया है, बी इलेक्ट्रॉन, बी कंपाउंड को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस दोनों को, अब जब ये एक पॉजिटिव है और ये एक निगेटिव है। ठीक है, कैसे ये पॉजिटिव और निगेटिव हुआ, ऐसे समझिए, एक मिनट, एक और थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताते हैं। मान लीजिए ये कोई ए कंपाउंड है, आपको इस समय नहीं पता है। ठीक है, इसमें मैंने बता दिया है, पर इसमें आपको नहीं पता है ये ए कंपाउंड है, एक बी कंपाउंड है। ठीक है, इस ए वाले कंपाउंड में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है, और इस बी वाले कंपाउंड में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इस ए कंपाउंड ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बी वाले को दे दिया। ठीक है, बी वाले को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इस पे क्या हो गया, इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जब निगेटिव और पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, तो दोनों कंपाउंड जुड़ जाएंगे, तो क्या बन गया, ए बी। ठीक, तो अब हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, एक मिनट, ठीक है, अब आप देखिए कि ये बन गया हमारा, अब हमने बताया था आपको NaCl, जिसमें सोडियम का कितना होता है, 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कितना आएगा, 2, 8, 1। ठीक, अब ठीक Cl का करते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर 17, तो इसका करेंगे 2, 8 और 7। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सोडियम पे। ठीक है, अब क्या है, सोडियम में हमारा ये तीन तीन शेल बनी हुई है। ये फर्स्ट है, इसको के बोलेंगे, इसको एल बोलेंगे, इसको एम बोलेंगे। ठीक, ये के, ये एल, ये एम। ठीक है, तो ये तीन शेल, तो पहले वाली सेल पूरी पूरी है। ठीक है, सेकंड वाली सेल में 8 है एंड लास्ट में 1। लेकिन ये जो सोडियम है, हमें इसको ऑक्टेट रूल फॉलो कराना है। उसका कारण क्या है, ऑक्टेट रूल अगर फॉलो करेगा तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। हमको स्टेबल करने के लिए इसको हमको जो आउटर सेल है उसको फुलफिल करना है। ठीक, और इसमें क्या है, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो इसको भी फुलफिल करना है, क्योंकि इसको भी हमको ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा स्टेबल करने के लिए। तो अब क्या है भाई, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन सोच रहा है ये सोडियम, कि हम एक इलेक्ट्रॉन
छोड़ देते हैं या हम एक इलेक्ट्रॉन अगर हम हटा दें तो ये मेरा जो लास्ट वाला जो ये 8 इलेक्ट्रॉन है इससे मेरा क्या होगा, आउटर सेल है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्लोरीन सोच रहा है मेरे पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम किसी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो ये मेरा इसका आउटर सेल पूरा हो जाएगा। तो अब क्या है भाई, सोडियम को अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना है, फेंकना है, हटाना है, कुल मिलाकर तो सोडियम ये सोच रहा है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो मेरे आउटर ऑर्बिटल में जो आउटर सेल है वो फुलफिल हो जाएगा। अब जब आउटर सेल फुलफिल हो जाएगा तो हम ऑलरेडी स्टेबल हो जाएंगे। और क्लोरीन सोच रहा है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो ये मेरा आउटर सेल फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों लोग सोच रहे हैं कि हम करें क्या, तो अब ये दोनों लोग एक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया Na। तो अब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर लेगा और क्लोरीन क्या करेगा, एक एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि भाई क्लोरीन की तो मजबूरी है अपना आउटर सेल पूरा करने के लिए, और सोडियम क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से लेगा नहीं। अगर सोडियम ले लेगा क्लोरीन से 7 इलेक्ट्रॉन तो अगर क्लोरीन जो है वो 7 को रिमूव करेगा अपने पास से तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी के चाहिए होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज करेगा तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो वो सोचेगा क्लोरीन की मैं एक ले ही लेता हूँ जिससे मेरा आउटर ऑर्बिटल या आउटर सेल पूरा हो जाएगा, और सोडियम क्या सोचेगा कि मैं एक दे ही देता हूँ ताकि मेरा भी पूरा हो जाए। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, देखिए ये Na है, ये Cl, ठीक है। अब क्या है, लास्ट में कितना है इलेक्ट्रॉन Na में, सोडियम में एक, ठीक है, एक बना लेते हैं। और क्लोरीन में कितने, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये जो सोडियम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा। अब क्या होगा, अब भाई सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और क्लोरीन ने ले लिया तो इस पे माइनस चार्ज हो जाएगा और इस पे प्लस, ठीक। तो अब क्या होगा, अब ये स्टेबल बन गए, ठीक। अब स्टेबल बन गए तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो NaCl बन गया। कैसे ये दोनों जुड़ गए, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, जाहिर सी बात है जब दोनों अपोजिट हैं तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जब अट्रैक्ट करेंगे तो जुड़ जाएंगे तो NaCl बन जाएगा। ये क्या हो गया, ये आयनिक बॉन्ड बनाया, ठीक। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा आयनिक बॉन्ड क्या है, ठीक। जब दो अलग अलग चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो हो गया आयनिक बॉन्ड। आयन से ही आपको क्लियर हो गया कि इसमें चार्ज की बात हो रही है। अब हम आते हैं अपने काम की बात पे, अब हम आते हैं अपना अपने कार्बन पे कि कार्बन कैसे नहीं बनाता है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसको हटा देते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर होगा। ठीक, अब हम आते हैं अपने कार्बन पे। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर पहले होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 और 4 आता है। अब आ जाते हैं कार्बन पे। कार्बन कह रहा है कि हमें 4 है इसमें इलेक्ट्रॉन, अगर हम किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो हमारा आउटर सेल पूरा हो जाएगा, या हम 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो हमारा आउटर सेल पूरा हो जाएगा। तो अब कार्बन जो है वो बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है कि हमको क्या करना चाहिए, लूज करना चाहिए या गेन करना चाहिए। अब देखिए, किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट को अपना एक अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो उसको बहुत अधिक क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक। अब एनर्जी चाहिए तो अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, मान लीजिए कार्बन सोच रहा है हम 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो फर्स्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 है तो ये सोच रहा है हम स्टेबल हो जाएंगे, चलो लूज कर देते हैं जिससे हमको आराम हो जाएगी। पर अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि अगर वो लूज करता तो उसको बहुत एनर्जी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, तो वो सोच रहा है कि हम 4 कैसे करेंगे, तो उसने सोचा कि कैंसिल कर देते हैं, हम लूज नहीं करते। अब हम सोचते हैं हम किसी से 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, क्या कर ले, गेन कर ले। अब आती है गेन करने की बारी, तो वो सोच रहा है कि ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है ये हमको कौन दे सकता है, कौन दे सकता है,
भाई चार इलेक्ट्रॉन अगर हम पूरे हो जाए हमारे, तो ये हमारा 8 हो जाएगा लास्ट में, तो ये क्या होगा, ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर लेगा, ठीक है, ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। अब कार्बन फंस रहा है, क्यों, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन एक साथ कोई नहीं दे सकता, ठीक है, तो अब ये सोच रहा है कि मैं लूज करूं या गेन करूं। अब आ गई है प्रॉब्लम कार्बन के आगे कि वो क्या करे, लूज करे या गेन करे। तो अब कार्बन सोच रहा है कि ना तो मैं लूज कर रहा हूं ना मैं गेन कर रहा हूं। तो अब कार्बन ने सोचा कि अब इससे ना वो लूज करेगा ना गेन करेगा, तो इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होगा, जब कोई चार्ज नहीं होगा ना पॉजिटिव होगा और ना निगेटिव चार्ज होगा, तो ये क्या करेगा, ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, कार्बन जब आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा तो फिर कौन सा बॉन्ड बनाएगा, अब इससे शुरू होता है एक दूसरा बॉन्ड। अब क्या है दूसरा बॉन्ड वो भी बताते हैं हम आपको, ठीक है। अब दूसरा बॉन्ड क्या है हम फिर से लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसी से ही पूरा। अब कार्बन सोच रहा है कि ना हम चार लूज करेंगे ना गेन करेंगे, अब हम क्या करेंगे, किसी से हम शेयरिंग कर लें। अगर हम शेयरिंग करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे तो क्या होगा, तो मेरे चार इलेक्ट्रॉन मेरे पास भी रहेंगे और मेरा आउटर ऑर्बिटल फुलफिल भी हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन किसे शेयरिंग करेगा, कार्बन सोचेगा कि चलो हम क्या करते हैं शेयरिंग कर लेते हैं किसी से, तो वो क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी। और जब म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी तो जो म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा उसको हम को वैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक ठीक। अब कार्बन सोचेगा कि हम किससे करें, तो कार्बन से भाई हाइड्रोजन भी शेयरिंग करेगा। अब वो क्यों करेगा वो अभी, ठीक, ये हाइड्रोजन शेयरिंग करेगा तो इससे चार उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें चार इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए तो इसका आउटर ऑर्बिटल फुलफिल हो गया और इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया, ठीक, तो ये स्टेबल हो गया। अब हाइड्रोजन से कैसे म्यूचुअल शेयरिंग करेगा वो आगे चलते हैं, ठीक। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहा और कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने इस पे टॉपिक पे कि अब क्या है, आज हम आपको डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि डॉट स्ट्रक्चर क्या है। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग, हमने अभी आपको बताया एक प्रकार की बॉन्डिंग होती है वो डॉट स्ट्रक्चर से बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्टेट रूल, अभी ऑक्टेट रूल के बारे में मैंने आपको बताया। अब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोजन पे, ठीक, ये है हाइड्रोजन, ठीक। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, पता है आप लोगों को। अब ये जो हाइड्रोजन है इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल चलते हैं तो इसकी फर्स्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन एंड फिर 8 होते हैं, ठीक। तो क्या हो, ये ऑक्टेट रूल तो फॉलो करेगा ही नहीं किसी कीमत पे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 1 है, तो ये क्या करेगा, ये एक डुप्लेट रूल, ठीक है। डुप्लेट का मतलब होता है, डुप्लेट का मींस होता है 2, ठीक है। तो अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए फर्स्ट वाली सेल पे तो हाइड्रोजन भी पूरा कर लेगा अपना, ठीक है सेल। तो अब हम हाइड्रोजन सोच रहा है कि मैं क्या करूं कि जिससे मेरा पूरा हो जाए। तो हाइड्रोजन जा रहा था एक मार्केट में, तो उसको एक अपना जैसा एक भाई मिल गया जिसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये H2 का होगा, ठीक है, ये जो बना रही हूं मैं ये H2 का, तो ये क्या है, डॉट स्ट्रक्चर ही बन रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे, जिससे इसके भी 2 हो गए और इस वाले भी हाइड्रोजन के 2 हो गए, तो दोनों ने 2-2 कर लिया, तो ये कौन सा हो गया, इसमें क्या हो गया, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, ठीक। इसमें क्या हो गई, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, तो कौन सा बॉन्ड बन गया, इसमें बन गया कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक ठीक। अब आगे आते हैं, आगे क्या है, आगे है, अब
देखिए, अब इसमें आपको पता चलेगा कि कार्बन ने हाइड्रोजन से कैसे बॉन्डिंग करके अपना जो आउटर सेल है उसको कैसे फुलफिल किया। ठीक है, अब देखिए जैसा कि इसमें शो कर रहा है कार्बन में 2, 4 एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे और हाइड्रोजन का 1 और 1। ठीक है, अब आ जाता है CH4 का स्ट्रक्चर। अब देखिए कार्बन का भी हमने आपको बताया कि कार्बन में 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है अगर कार्बन में, तो अब कार्बन हमने आपको बताया ना कार्बन ना लूज करेगा ना गेन करेगा, शेयरिंग करता है। वो सोच रहा है हम शेयरिंग कर लेंगे तो ये 4 तो मेरे पास ही रहेंगे और 4 की जरूरत होगी जब कभी तो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और मैं अपना आउटर मोस्ट आउटर ऑर्बिटल या आउटर सेल है वो फुलफिल कर लूंगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अब हाइड्रोजन में 1 है, हाइड्रोजन भी सोच रहा है कि मुझे भी 1-1 अगर इलेक्ट्रॉन किसी से मिल जाए तो मैं भी अपना फुलफिल कर लूं। ठीक है, हाइड्रोजन को 2-2 चाहिए क्योंकि उसका जो फर्स्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, डुप्लेट रूल फॉलो करेगा ये। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, शेयरिंग कर लेगा, तो क्या होगा जब ये शेयरिंग कर लेगा कार्बन, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या कर लेंगे, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, कौन सा बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, तो अब आपको पता चल गया, अभी हम मैंने आपको बताया था ना कि हाइड्रोजन से कैसे शेयरिंग करेगा, ऐसे ही करेगा क्योंकि हाइड्रोजन को भाई 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और कार्बन को 4, तो 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ शेयरिंग कर लेंगे और क्या बन जाएंगे, क्या बना देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, अब आते हैं एक और है यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कार्बन का भी मैंने आपको बताया है और ये ऑक्सीजन का है। ठीक है, अब हम एक CO2 का बनाते हैं तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर लिखा हुआ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा हुआ है। ठीक है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से हमको इसका जो आउटर सेल है उसे पूरा करना है। ठीक है, तो हम अगर एक कार्बन यहाँ बना लेते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ बना लेंगे और एक ऑक्सीजन यहाँ बना लेंगे। ठीक, तो अब क्या करेगा, ऑक्सीजन में कितने हैं लास्ट में, 6 हैं, तो अब हम 6 बना लेते हैं ऑक्सीजन में, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और इधर भी ऑक्सीजन में 6 बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और अभी कार्बन के तो मैंने आपको बताया ही है 2, 4, 4 बनाने। ठीक है, और बनाने, अब ये भी आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे क्योंकि अगर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, इधर भी ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए पर कार्बन तो खाली हो जाएगा, जब कार्बन दे लास्ट में कोई नहीं बचेगा, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा, तो कार्बन करेगा क्या, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो इसलिए ये भी आपस में क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, और एक हमने आपको पिछले में बताया था, एक N2 का छोड़ दिया था जिसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड था, तो N2 में नाइट्रोजन का क्या होता है, 7 होता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 2 एंड 5 करेंगे, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हमको इसका लास्ट वाला जो सेल है उसको फुलफिल करना। ठीक है, तो अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और हो जाए, ऐड हो जाए, तो ये पूरा हो जाएगा, तो एक N यहां बना लेंगे, एक N यहां बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक, ये क्या करेंगे आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे क्योंकि सिर्फ ना लूज करेंगे ना गेन करेंगे, अगर ये लूज कर देता है 3 इलेक्ट्रॉन अपने तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये सिर्फ गेन कर लेगा तो ये पूरा हो जाएगा लेकिन इसका जो है वो खाली हो जाएगा, तो इसलिए ये आपस में क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग के बाद जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।